इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 22। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 22। यहूदा में अहज्या का राज्य। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लहूरे पुत्र अहज्या को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्याह था जो उम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी, और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ, और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था। और इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलात के रामोत में अराम के राजा हजायल से लड़ने को गया, और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। सो राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजायल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र यहोराम जो इज़राइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया, और अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। और जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र एहू का सामना करने को निकला, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने को नाश करे। और जब एहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्या के भतीजे जो अहज्या के टहलुए थे मिले, और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्या को ढूंढा, वह शोमरोन में छिपा था, सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और एहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी कि यह यहोशापात का पोता है जो उसने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था, और अहज्या के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा। योआश का राज्य। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया, परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्या की बहन थी, उसने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई, और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही।